हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंगल ऑफ स्टडी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जनगणना से जुड़े कुछ तथ्य जो कि रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। एनटीपीसी, जेईई, ग्रुप डी और एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं जनगणना पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा। भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाई गई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? हर 10 साल बाद। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है? 1921 को। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? 1931 में। किस साल को जनगणना का लघु विभाजन साल कहा जाता है? 1951 को। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 18.33%। किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई? साल 1991 से 2001। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 1,205,695,573 व्यक्ति। कुल जनसंख्या में से पुरुष जनसंख्या कितनी है? 6,231,218,43। भारत की कुल जनसंख्या में से महिला जनसंख्या कितनी है? 5,874,47,730। भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 8,334,63,448.68%। भारत की कुल शहरी जनसंख्या कितनी है? 3,771,06,125। 31.2%। 2001 से 2011 में भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? 1,819,59,458.17.7%। ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 2011 9,097,302.12.3%। शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 2011 9,098,64.38.31.8%। भारत की कुल साक्षर जनसंख्या 2011 7,634,98,517 व्यक्ति 73%। भारत में लिंगानुपात 2011 943 महिला, ग्रामीण लिंगानुपात 2011 949 महिला, शहरी लिंगानुपात 2011 929 महिला, पुरुष साक्षरता 2011 4,346,83,779 80.9%। महिला साक्षरता 2011 3,288,14,738.64.6%। जनसंख्या घनत्व 2011 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष तक आयु वर्ग की जनसंख्या 2011 16.45 करोड़। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 20.14 करोड़, 16.6%। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2011 10.43 करोड़, 8.6%। सबसे अधिक प्रजनन दर 2011 बिहार 3.7, सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य 2011 तमिलनाडु 1.7,
1.7। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे अग्रणी राज्य साक्षरता की दृष्टि से केरल। सबसे पिछड़ा राज्य साक्षरता की दृष्टि से बिहार। सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से लक्षद्वीप। सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से दादर व नागर हवेली। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दिल्ली। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अंडमान निकोबार। सबसे अग्रणी राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से केरल। सबसे पिछड़ा राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा। सबसे अग्रणी केंद्र शासित राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से पांडुचेरी। सबसे पिछड़ा केंद्र शासित राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से दमन एवं दीव। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांगदारी अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कुरंग कुमे अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला लांगलोग नागालैंड। थैंक यू।